ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये दिन के 2 बज रहे हैं, लेकिन वेदर देखिए घनघोर बादल आ गए। कारण जानते हैं आप क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि संदीप भट्ट को क्रिकेट खेलने जाना था और ये बेचारा बच्चा खुश हो जाता, लेकिन नहीं, ये बर्दाश्त ही नहीं था कुदरत को ये क्रिकेट खेलने को मिले, तो इस तरीके का मौसम हो गया। दिल्ली में बारिश आ गई भाई, ये कौन सा मौसम है बारिश का, ये देखिए। हे भगवान, ये तूने क्या किया, क्यों एक बच्चे की जज्बातों से खेला। खैर इसका जवाब तो भगवान के पास ही है, हम क्या जाने। कितने टाइम के बाद मुझे मैच खेलने का मौका मिला था फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ, लेकिन नहीं, ये मंजूर नहीं था भगवान को। अगर भगवान को कुछ मंजूर नहीं है तो इसमें फिर हमारी तो कुछ चल नहीं सकती। ओ माय गुडनेस, कितनी ताबड़तोड़ बारिश आ रही है भाई। भाई भी नींद में उठ के आ गया, सुबह से सो रहा है, संडे है, कुछ करने को नहीं। अभी ये देख रहा है क्या हो गया मौसम, क्रिकेट खेलने जाना था, टाइम हो गया था, पर ये देख जूते वूते पहन के एकदम, देख रहे हो आप, ये फुल एकदम जूते वूते पहन के मैं तैयार था मैं इधर यार। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो मंजूर है खुदा होगा। यही तो सवाल मेरा है कि ये कौन से मौसम में इतनी बारिश कहाँ से आ गई भाई। तो अक्टूबर के तो सर्दी का महीना है, इतनी बारिश क्यों हो रही है भाई। पर जो भी हुआ आज मेरे इमोशन के साथ खिलवाड़ वो ठीक नहीं हुआ। लाइक मैं लिटरली सुबह से व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, तो मैं बहुत पहले गया था सुबह 6 बजे, तब से व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव था आज व्लॉग ही सिर्फ क्रिकेट का होगा, लेकिन नहीं, दिल्ली में जो रहता है वो समझ सकता है कितनी खतरनाक बारिश आ रही है एकदम से आउट ऑफ नो वेयर लिटरली। सेंस अब ऐसे हो गया तो इसमें तो खैर कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन प्रीवियस वीडियोज़ में मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट के बारे में मेरे से पूछते हैं कि आप कैसे करते हो, तो मैं लाइक बहुत सिंपल करता हूँ। पहली बात, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड जो होते हैं ना वो मैं हूँ नहीं, कोई एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ सेबी रजिस्टर्ड, तो जो भी मैं बताऊँ ये जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसको काइंडली मद्देनज़र रखें। मैं बहुत सिंपल चीज़ें करता हूँ, मैंने टेक्निकल एक कोर्स भी किया है, बट जो मेरे लिए काम आया है ना वो सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, बाई गुड कंपनीज। मैं जब भी देखता हूँ कहीं भी, यू नो, अगर कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस भी होती हैं, सिर्फ मतलब हर बंदे का एक ही सवाल होता है, कोई सस्ता सा शेयर मिल जाए, जैसे कोई भी किसी के बारे में गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, यस बैंक, छोटे मोटे शेयर जो होते हैं ना 10-20 रुपये के होते हैं, लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई मुझे कोई सस्ता बता दो जो मतलब 10 की चीज़ 900-500 हो जाए। ऐसा होता नहीं है, मतलब स्टार्टिंग जब मैंने की थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब बंदा शुरू करता है उसका एक्सपीरियंस यहीं से शुरू होता है कि कोई छोटी सी चीज़ मिल जाए तो 2-5 रुपए की हो और वो 1000 हो जाए एक साल में, ये सिर्फ क्या कहते हैं कहानियों में होता है या फिर कुछ चुनिंदा लोगों के साथ होता है जो खुशकिस्मत होते हैं। इतना खुशकिस्मत खैर मैं तो नहीं रहा, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी लॉस भी हुआ है, मतलब पहले 2-3-4 महीनों में, क्योंकि पता नहीं था क्या है, बस ये लगता था कि एक छोटा सा कोई नंबर है, नीचे खरीद लो ऊपर भेज दो, लेकिन इतना ईजी था नहीं, लेकिन एक्चुअल में इजी था। ट्रेडिंग में बहुत सिंपल सी चीज़ करता हूँ, फर्स्ट मैं पहली बात तो जैसे ही कोई जब कोई अच्छा शेयर है, और ज़्यादा बहुत सारे शेयर नहीं, मेरी वॉचलिस्ट में 50-60 शेयर है, मैं उन्हीं में ही ट्रेड करता हूँ, जो अच्छी कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, और जो मूवमेंट देती हैं, जिनमें प्राइस एक्शन अच्छे से फॉलो होता है, जो अच्छी खासी मूवमेंट देती हैं, जैसे आपका टाटा एलेक्सी हो गया, आपका IRCTC हो गया, डी मार्ट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा पावर हो गया, कैम्स का शेयर हो गया, और सिस्टेंट सिस्टम हो गया, तो मतलब ये जितने भी, यू गेट द पॉइंट राइट, ये जितने भी शेयर हैं जो काफ़ी अच्छी मूवमेंट देते हैं, इवन बजाज फिंसर जो मतलब अच्छी खासी मूवमेंट देते हैं, ये तो कुछ नाम है, कुछ मिस भी हो गए होंगे, तो मतलब कहने की बात सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनीज में ही ट्रेड करता हूँ मैं। सिंपल सी चीज़ करता हूँ, अच्छी कंपनीज हैं जैसे ही वो मतलब ऊपर से करेक्ट होकर थोड़ा भी अपने सपोर्ट पॉइंट पर आती हैं, तो मैं पहली बाइंग करता हूँ, और मतलब 100% कैपिटल से नहीं खरीदता हूँ उसको, अपने सिर्फ 50% कैपिटल से मैं खरीदता हूँ। उसके बाद अगर इन केस वो और नीचे आती हैं तो मैं और वेट करता हूँ, बल्कि मैं खुश होता हूँ कि मुझे दोबारा एक अच्छे प्राइस पे और मतलब क्या कहते हैं एवरेज करने का मौका मिला, तो मैं जब वो और नीचे सेकेंड सपोर्ट पर आती है तब मैं 25% कैपिटल अपनी और डालता हूँ उसमें। मैं डरता नहीं हूँ कि मेरा प्राइस नीचे आ गया, और मैं पहले सपोर्ट मतलब क्या कहते हैं एकदम से जब खरीदा स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मतलब अच्छी कंपनीज़ हैं,
अगर बाई चांस कोई डिप आया है तो ये अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी हम लोग इतने खतरनाक बुल रन में हैं और मैं इंट्राडे वगैरह करता नहीं हूँ, मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ। और अगर आपको बुल रन में पैसा कमाना है तो सिर्फ और सिर्फ इकलौता तरीका है कि आप कुछ टाइम के लिए होल्ड कर जाओ चुपचाप एकदम। तो बस आप आराम से उसको होल्ड कर लो। कैम्स का एक बार मैंने आपको दिखाया था, मैंने उसको 2800 जब उसका सपोर्ट था बीच में जब वो आया था वहाँ खरीदा। मैंने आपको लास्ट टाइम अपने ट्रेडिंग कैपिटल में जो प्रॉफिट हुआ था दिखाया भी था कि नीचे आया था वो 2800 के अराउंड, तो मैंने लिया था। उसके बाद वहाँ से वो 4000 तक गया था। खैर मैंने तो बीच में बेच दिया था क्योंकि बहुत जल्दी बहुत फास्ट मूव आ गया था। जब ऐसा होता है तो आप टॉप और बॉटम को कैच नहीं कर सकते कि कितना ऊपर तक कोई चीज़ जाएगी और कितना नीचे तक आ सकता है, तो आप कोशिश करते हो कि इन बिटवीन में रह के प्रॉफिट बुक कर लो। तो ये चीज़ है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें जो मैं फॉलो करता हूँ। सबसे इजी चीज़ है बाय गुड कंपनीज, वो महंगी हैं, वो किसी रीज़न से महंगी हैं, वरना 2-5 रुपये वाले स्टॉक तो फिर महंगे नहीं हो पाए ना आज तक। इतना अच्छा बुल रन भी आ गया लेकिन कुछ कुछ स्टॉक वहीं के वहीं रह गए, उसके पीछे कुछ रीज़न ही होगा जो इतना नीचे हो रह गया। कोई अच्छी कंपनीज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। टाटा एलेक्सी कहाँ 500-600 का स्टॉक था आज से एक साल पहले, जो कि आज 6000 पार हो गया। IRCTC जैसा शेयर जो 1200-1300 था समथिंग, वो 5500 पहुंच गया। तो मतलब उनको बढ़ने के पीछे कोई रीज़न था और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इतना यू नो ये ऐसा वक्त है बुल रन, जो पास्ट में बहुत कम लोग हैं जो बताते हैं इस तरीके का बुल रन उन्होंने देखा इतना फास्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसको कैपिटलाइज करो। और बाकी कभी कुछ होता रहेगा तो बताता रहूँगा। बाकी इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ मैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेम चीज़ें। मैंने आपको काफ़ी बार, मैंने जब पहले सबसे पहले आपको वीडियो में बजाज फाइनेंस बताया था तब आई थिंक वो 5000 समथिंग पे था, अब वो कहाँ 7800 हो गया। और धीरे धीरे अभी दिवाली आ रही है तो कॉमन सेंस से बात है, दिवाली जब आएगी लॉकडाउन वगैरह कुछ है नहीं, खुला हुआ है तो लोग अपनी ऑब्वियसली नई नई चीज़ें खरीदेंगे, EMIs वगैरह करवाएंगे, तो उनके जो रिजल्ट्स आएंगे ऑब्वियसली अच्छे होंगे। वो जो इस बार का क्वार्टर है, अब तो इस जो प्रीवियस क्वार्टर उसका रिजल्ट तो डिसेंट आएगा ही क्योंकि उससे पिछला क्वार्टर में तो लॉकडाउन था लेकिन अभी खुला था, तो ये क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आएगा। प्लस जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें जब दिवाली वाली फेस्टिवल सीजन है, न्यू ईयर आएगा, तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा आएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, तो उसका बिजनेस तो बंद हो नहीं रहा। अच्छा आएगा तो शेयर प्राइस भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो अच्छी कंपनीज बाय करो। तो मैंने टाटा पावर के बारे में बताया था आपको कि मैंने कहाँ 3 डिजिट से नीचे था तब लिया हुआ था उसको अच्छी खासी क्वान्टिटी में, वो आज देखिए। तो बेसिकली मूव उन्हीं को मिल पाती है जो उसको होल्ड करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो जैसे 1-2% की मूव आपने कैप्चर कर लिया, आपको लगता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर आप 1 महीना 4-5 हफ्ते उसको होल्ड करोगे तो हो सकता है 4-5 अच्छे मूव कैप्चर कर लो, तो हो सकता है 20-30% आपको मूव मिल जाए। तो ये बहुत ही यू नो चीज़ है जो मेरे काम आई है और जो मैं काम आती रहती है। बाकी कुछ ना कुछ होता रहेगा तो मैं बताता रहूँगा और आगे देखते हैं। अभी फिलहाल क्या करना है, मैच खेलो तो मुश्किल ही है जा पाना। बारिश क्यों करवाई, जवाब दे क्यों करवाई बारिश, सब तेरी वजह से हुआ है। बोल रहा है मेरी वजह से नहीं हुआ, भाग गया। तो मौसम को मद्देनजर रखते हो, जस्ट अभी मैं नीचे से आया हूँ तो यहाँ पर मम्मी के लिए, मम्मी ने बोला था बारिश हो रही है तो मुझे मैगी खानी है। सॉरी मम्मी को मैगी नहीं, मम्मी को यप्पी नूडल्स बहुत पसंद है। मैगी की जगह, मैगी की जगह मम्मी ये खाती है। तो जो ITC के शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ा फायदा करा रहा हूँ मैं, इससे क्या फायदा हो जाएगा। दूध, मैगी एंड मम्मी को 5-स्टार बहुत पसंद है, तो 5-स्टार बहुत पसंद है। मेरी मेरा बड़ा मन कर रहा था ये खाने का भी। मौसम को मद्देनजर रखते हुए सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली, बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। और हर एक क्षण पर मम्मी के पास भजन होता है कोई ना कोई। बताया 3 दिन कंटिन्यू बारिश है अभी दिल्ली में। हाँ अच्छा जी, 3 दिन का तो अब तू कैंसिल ही कर दे, अगले संडे रखना। तो दिल्ली छोड़कर चला जाऊँ कहीं घूमने के लिए? आ जाएगा। चल चलते हैं कहीं घूमने। हाँ अभी मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, मुझे एक भैया से मिलना है, देखते हैं। अभी हमें 2-3 दिन पहले जब मैं गया था तो मैं मिल के आया था एक भैया से, तो उनका मुझे कुछ करना है, प्रोजेक्ट हेल्प करनी है, तो देखते हैं। पर कल अगर वो हो जाए तो भाई एक ट्रिप का प्लान करते हैं, तो बने रहें। तो चाय वगैरह पी के मौसम ठीक है, हल्की हल्की बूंदा बांदी है, मैं निकल गया हूँ मैक्स को घुमाने। बाकी कल चलेंगे हम हेल्प करने के लिए, एक भैया हैं उनको सब्जी की रेडी की नीड है, तो कल चलेंगे उधर, उसका व्लॉग आएगा बहुत ही मज़ेदार। और मैक्स के दोस्तों के साथ मैक्स की रनिंग,
तुमको पता कैसे चलता है कि मैक्स आ गया? अच्छा टाइमिंग पता है तुम्हें? 4:15 के राउंड आता है। टाइमिंग पता है बच्चों को मैक्स के नीचे आने की घूमने की? क्रिकेट मैच था मेरा आज कैंसिल हो गया यार बारिश की वजह से। देखा तूने क्रिकेट मैच बताया था ना मैंने? हाँ बताया था, बैट बॉल वाला। बैट बॉल कैंसिल हो गया। बारिश होएगी अब? 3 दिन। कैसे? दादू ने बताया था मेरे को कि दादू के मोबाइल में एक ऐप है बारिश वाला। टेम्परेचर वेदर का? 3 दिन। 3 दिन बारिश है। स्लो मोशन दिखाया भी मैंने, कैसा लगा? सही था? हाँ, सही है। एक और बनाऊंगी बस। कहाँ से? वहाँ से, उधर से। उधर से? चलो जाओ फिर उधर जाओ। अच्छा ये बच्चे डेली व्लॉग देखते हैं तो इन्होंने देखा है कि हम लोग क्या कहते हैं घर शिफ्ट कर रहे हैं। मैक्स तो चला जाएगा, अब क्या होगा? जाना पड़ेगा मैक्स को तो जाना पड़ेगा। अच्छा उधर ही आ जाना, ये चाहिए। टिंग निंग 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 टिंग निंग 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 टिंग निंग 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 इधर है वो इसके अंदर छुपा दूँ? ये देख इसके अंदर, ये नहीं बोल। कहाँ गई बाबू? जादू से गायब कर दी मैंने। देख ली इसने, गद्दी चिर दी। ये छुप गई, बॉल गुम। कहाँ गई? उधर है, ये चाहिए। अच्छा चल, अच्छा ले जा, जा चीर दे, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। बॉल अब मिलेंगे अगली जिंदगी में। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह, मुझे हेल्प ले जाना है। बाय, टेक केयर।